वीडियो ऑफ दिस टॉपिक इंट्रोडक्शन। आपने फर्स्ट वीडियो देखी होगी, उसमें डिटेल में मैंने आपको बताया, इसकी डेफिनेशन भी आपको समझाई और इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क के बारे में बताया, आपको डिटेल में बताया कि इंट्रोजेक्शन वर्ड्स क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं, कि ये हमारी सडन फीलिंग्स होती हैं, ये हमारे सडन इमोशंस होते हैं और सडनली ये वर्ड हम बोलते हैं, हम पहले से सोच करके तैयार नहीं बैठते कि ऐसा कुछ होगा और हम ऐसा कुछ बोलेंगे। ये सडन फीलिंग्स होती हैं, सडन इमोशंस होते हैं जो हमारे मुंह से सडनली निकलते हैं। तो ये आपको मैंने क्लियर करा दिया था बेटा, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। तो उसमें मैंने काफी एग्जाम्पल भी बताए थे आपको, काफी एग्जाम्पल लिखवाए थे इस तरह से। तो कुछ और एग्जाम्पल थे जो मैं आपको इसी वीडियो में आपको बताऊंगी। तो ये तो आपकी डेफिनेशन है, ये इंट्रोडक्शन है, ये ऑलरेडी आप लिख चुके होंगे, आप समझ गए होंगे। अब जो मैंने 6 एग्जाम्पल उसमें आपको बता दिए थे, अब 7 यहां से देखिए कि मैंने बस बताया था, यहाँ पे काफी इंट्रोडक्शन वर्ड उसमें बता दिए थे। अब इसमें देखिए, इसमें है ब्रुर, तो बोलते ना ठंड लगे, ब्रुर ऐसे करते हैं, किरकिरी, जैसे हम बोलते हैं कि किरकिरी बज रही है, ठंड हो रही है अभी बहुत, तो उसे बोलते हैं ब्रुर इस तरह करके। तो ये हो गया इट इज सो कोल्ड, ब्रुर इस तरह बोलते हैं। तो ये भी हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क है, ये भी हमारा यानी कि इंटरजेक्शन है, एक्सक्लेमेशन मार्क इसी पे लगा हुआ है। ओके, अच्छा एक आप देखते हो कभी शू, इस तरह हम बोलते हैं कि भाई शांत हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ, इस तरह बोलते हैं, ये भी हमारा बेटा इंटरजेक्शन है। शू ऑल ऑफ यू, अरे सब चुप हो जाओ, शू आई एम डूइंग समथिंग इंपॉर्टेंट, शू ऑल ऑफ यू आई एम डूइंग समथिंग इंपॉर्टेंट, मैं कुछ इंपॉर्टेंट कर रही हूँ, शू बिल्कुल शांत हो जाओ, या मैं स्टडी कर रही हूँ या मैं कुछ काम कर रही हूँ, इस तरीके से। नेक्स्ट देखेंगे आप हे बोलते हैं ना, अब कोई जा रहा है आ रहा है, एकदम से बोलते हैं हम हे लिसन टू मी, ये तो आप बोलते हैं। तो ये देख लीजिए कि ये भी इंटरजेक्शन ही है और एक्सेलरेटरी मार्क्स में लगा हुआ, एक्सेलरेशन मार्क इसमें लगा हुआ बेटा, ठीक है। हे लिसन टू मी, ओ मेरी बात सुनो, हे मेरी बात सुनो, इस तरह जो बोलते हैं हम लोग। अब देखिए एक है ये आ, ओ हो, जैसे हम बोलते हैं एकदम ओह, छोटे बच्चे खासकर बोलते हैं, बड़े भी बोलते हैं ओ हो ऐसा हो गया, अरे आहा आई गॉट इट, आहा अरे ये मुझे मिल गया, अरे आहा इस तरह से। फिर एक, ये एक देर जल विचार, एक कई बार क्या होता है कि खासकर गर्ल्स छोटी छोटी चीजों से डर जाती हैं, रेड से डर गई, विचार से डर गई, लेडीज में होता है छोटे छोटे बच्चे डर जाते हैं कई बार, तो हम बोलते हैं इस तरह से जो साउंड निकलती है हमारे, आपने देखा कि लिजार्ड, सपोज कि मुझे रेड से ही बहुत डर लगता है, तो रेड दौड़ा जा रहा है एकदम, कुछ हल्के पड़ूंगी कि रेड देयर इज अ रेड, इस तरह से बोलते हैं। तो ये भी एक देयर इज अ लिजार्ड, जो भी कहना चाहे आप, तो हमारे मुझे निकल एक इस तरह निकलती है। ओके, दिस इज ऑल्सो इंटरजेक्शन। एक है यक, आई कांट इवन टच इट, यक यक बोलते हैं हम किसी बड़ी गंदी सी चीज को, इट इज सो डर्टी, इस तरह बोलते हैं, फेस एक्सप्रेशन भी हमारे अलग है, बोलते हैं इस तरह। तो देखो आई कांट इवन टच इट, आई कांट इवन टच इट, मैं तो इसको छू भी नहीं सकती, यानी कि इतनी गंदी चीज है ये, इतनी गंदी वो है कोई भी चीज, इतने मैं तो इसे टच भी नहीं कर सकती, छू भी नहीं सकती। तो इस तरह से आपने देखा बेटा कि ये हमारे इन सारे जितने मैंने बताया आपको फर्स्ट वीडियो में भी और इसमें भी, ये हमारे सारे इंटरजेक्शन है। आई होप अब आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।